Assalamualaikum guys, welcome back to our another vlog. और आज आप लोग देख सकते हैं कि मैं आज इतना रेडी क्यों हूँ. और आज है मेरा स्पेशल दिन क्योंकि आज है मेरी बर्थडे. और हमने सोचा कि तीनों भाइयों की एक दिन में कर ले क्योंकि एक ही मंथ में आती है तीनों भाइयों की. तो हमने सोचा एक दिन में ही कर ले. और हमने ज़्यादा लोगों को बुलाया नहीं है, बस अपने घर वालों को बुलाया और बाकी बस थोड़े मोड़े लोगों को बुलाया है. और हम लोग एक जगह जा रहे हैं, वो आप लोगों को दिखाते हैं. चलिए मेरे साथ. अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके. आई होप सब खैरियत से होंगे. जहाँ भी रहें खुश रहें, आसानी के साथ रहें और दुआओं में हम सबको याद रखें. केक देखकर यहाँ आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम जा रहे हैं एक छोटी सी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए. तो बस यहाँ चल रही हैं उसी की तैयारियाँ. यहाँ हम लोगों ने कपड़े रेडी कर लिए हैं और यहाँ देखते हैं किसकी क्या तैयारियाँ चल रही हैं. और यहाँ इन लोगों को बोल बोल के थक गए हैं, लेकिन ये लोग रेडी नहीं हो रहे हैं बिल्कुल भी. हमदान बेटा जल्दी से रेडी हो जाओ. ईमान बेटा आपका जूड़ा बन गया? नहीं, अभी भी डिसाइड नहीं हुआ ईमान का जूड़ा. आप देख सकते हैं यहाँ ईमान ने कितना कुछ फैलाया हुआ है, लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रही है कि जूड़ा बनाना है या बाल खोलने हैं. यहाँ हम जाने की तैयारियों में हैं और बच्चे टीवी देखने में लगे हुए हैं और अम्मी की भी ऑलमोस्ट तैयारियाँ स्टार्ट हो गई हैं. मेकअप बॉक्स खुल गया है और ये हम लेडीज़ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इसके साथ फेवरेट पार्ट होता है कहीं भी जाना हो. आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड दिस. फाइनली यहाँ तीनों बच्चे रेडी हो गए हैं और आज हम जा रहे हैं तीनों बेटों की एक साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने. अल्लाह पाक मेरे तीनों बच्चों को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे और नेक और सालेह औलाद बनाए. और फाइनली ईमान भी रेडी हो गई है और ये है अफ़ान. यहाँ पहुँच गए हैं हम अपनी फैमिली के साथ सल्तनत रेस्टोरेंट और इसका रिव्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा सुना था लोगों से, तो हमने सोचा क्यों ना इस प्लेस को विज़िट किया जाए और यहीं अपने बच्चों की बर्थडे भी सेलिब्रेट की जाए. फैमिली के साथ एक अच्छा गेट टुगेदर हो जाएगा और आउटिंग भी हो जाएगी. रेस्टोरेंट में आने के बाद लोगों के रश को देखकर एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि यहाँ जब भी वीकेंड पे आना है या तो थोड़ा जल्दी आ जाना है या तो पहले टेबल रिजर्व करवा कर आना है, नहीं तो आप लोगों को भी हमारी तरह काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा. तो बस यहाँ हम लोग भी वेटिंग एरिया में काफ़ी देर तक वेट करते रहे, लेकिन वेदर बहुत ज़्यादा खूबसूरत था तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा बॉदर नहीं कर रही थी सिवाय भूख के. यहाँ ये बात की फूफो ने बिस्किट खाना शुरू कर दिया था क्योंकि अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी. जितनी भी भूख लगी हो, लेकिन हम सेल्फी लेना नहीं भूल सकते हैं. तो बस यहाँ वेट करते करते हम सेल्फी भी बना रहे हैं. क्या खा रहे हो पापा? निमाद आपको भूख लग गई है क्या? कितनी ज़्यादा? बहुत ज़्यादा. हाँ, ये बजट हो गई दादी के घर पे. सबको दे रहे हो? मुझे भी दे दो. शुक्र बिल्कुल एग्जैक्ट है. आपने खा ली? बच्चों का भी अब भूख से बुरा हाल था और यहाँ पे और भी लोग बैठे थे हमारे साथ वेटिंग पे. फाइनली हमारी टर्न आ गई थी और एंटर होते ही इस रेस्टोरेंट की ख़ास बात ये लगी कि ये रेस्टोरेंट मोस्टली ओपन एयर एनवायरनमेंट पर बना हुआ था. यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट भी डिफरेंट तरह की थी, कोजी टेबल और चेयर भी अवेलेबल थी और रूफ टॉप पर भी आप बैठकर फूड को एंजॉय कर सकते हैं. और यहाँ हम लोगों ने चूज़ किए हैं तख्त ताकि मज़े से टेक लगा कर रिलैक्स होकर फूड को एंजॉय किया जाए. यहाँ बिना टाइम ज़ाया किया हमने फटाफट ऑर्डर किया क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा शदीद लग रही थी और इनका मेन्यू बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड था और कॉन्टिनेंटल फूड की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी. जितनी देर में डिनर आ रहा था तो हमने सोचा क्यों ना रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर किया जाए और इसका रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाए. यहाँ बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया अवेलेबल था जहाँ बच्चे फुल टाइम एंजॉय कर सकते हैं और आउटडोर एक्टिविटीज़ के अलावा यहाँ इंडोर गेम्स और एक्टिविटीज़ भी अवेलेबल थी. इसके अलावा रेस्टोरेंट की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री बर्थडे डेकोरेशन भी अवेलेबल थी.
बच्चों की एक्टिविटीज़ के अलावा शॉपिंग के लिए यहाँ कुछ छोटे मोटे से स्टॉल भी लगे हुए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे, और लेडीज़ का तो वैसे भी बहुत ज़्यादा दिल लगता है शॉपिंग के मामले में। इन सब चीज़ों के साथ साथ यहाँ लाइव म्यूजिक भी अवेलेबल था जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा था। अब सोचना पड़ेगा। ऑर्डर करने के कुछ टाइम बाद ही हमें फ़ूड सर्व कर दिया गया था, और इवन रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा रश था लेकिन हमें फिर भी इतना ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। और इनकी प्रेजेंटेशन और सर्विस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी, और इनका सर्विंग पोर्शन भी बहुत अच्छा था, और फूड टेस्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त था। ज़बरदस्त से वेदर के साथ और इस ओपन एनवायरनमेंट में हम लोगों ने फ़ूड को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। यहाँ डिनर के बाद बारी आती है एज़ यूजुअल मेमोरीज़ को कलेक्ट करने की, तो बस यहाँ बच्चों के पोस्ट चल रहे हैं और दूसरी तरफ हम लेडीज़ भी पीछे रहने वाले नहीं थे, तो हमारा भी यहाँ फ़ोटो सेशन हो रहा है। बारी आती है मेरे बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेशन की, जिसके लिए आज ये छोटा सा गेट टुगेदर अरेंज किया गया है। और यहाँ सल्तनत में आप कोई भी इवेंट सेलिब्रेट कर सकते हैं, वो आपको आपकी मर्ज़ी और बजट के हिसाब से आपको सेटअप अरेंज करके देते हैं। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Ibadari Sahana। बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद हम लोग यहाँ केक एंजॉय कर रहे हैं, और हमने ऑर्डर किया था केक कबाबजी से जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। देख सकते हैं इस रेस्टोरेंट के ज़बरदस्त एनवायरनमेंट में मेरे बच्चों ने अपने स्पेशल डे पर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, खूब सारी मस्तियाँ की। यहाँ कार्टून कैरेक्टर भी थे जो कि बच्चों को एंटरटेन कर रहे थे, और इनके साथ पिक्चर्स लेना, ये सब छोटी छोटी सी खुशियाँ एक बहुत ही खूबसूरत मेमोरीज बन जाती हैं। आप अपनी मर्जी से जो कुछ लेना हो ले लेना। ये किसने दिया है बाद, ये वाला गिफ्ट दिखा दी। अरे वाह, दिया ये गिफ्ट आया है बाद को दादी की तरफ से। जबरदस्त, बहुत ही आला है भाई, इसको तो बहुत आला। और ये गिफ्ट आइस फ्रॉम। बच्चों के बर्थडे का मोस्ट फेवरेट पार्ट यही होता है, और वो इन्हीं छोटी छोटी सी खुशियों से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और इवन अभी तक मेरा भी फेवरेट पार्ट यही है। अरे मुझे भी गिफ्ट मिला है, थैंक यू। अब ये सरप्राइज है, अभी ये मेरा सरप्राइज है। अभी खोल देना, अभी चलो खोलो खोलो खोलो, मेरे को क्या मिला है दिखा। ये किसने दिया रे? पता नहीं, पता नहीं, ये देखो पता ही। बड़े पापा ने दिया, बोलना बड़े पापा ने। बड़े पापा ये फोर है, ये फोर आ गई डिवाइस फोर, ये फोर दे रहा हूं। यहाँ बच्चों के साथ मुझे भी गिफ्ट मिल गया था, और मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी हुई। आरिस का है, खोल दो। ओए
आरिस को क्या मिला? मम्मा पकड़े इसको। बता आरिस को क्या मिला है? ये वाला बहुत अच्छा गेम मुझे। ओ अच्छा ये वाला। बहुत अच्छा गेम है ये। गिफ्ट कैसे लगे आपको? अब्दुल्ला आरिस की बात के बर्थडे में मजा आया? हाँ। जी। कितना मजा आया बताओ? बहुत। थोड़ा रोचक खा रहे साहब। ये देखो फ्री होने आ गए। ये सब दोनों तीनों फ्री है। आज का दिन बस यहीं ख़त्म होता है। मैंने अपने बच्चों के इस स्पेशल डे को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और ऑब्वियसली बच्चों ने भी किया। बस कमी थी तो हस्बैंड की, जो कि पाकिस्तान में नहीं थे, लेकिन सब ने उन्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। और ये है जाते जाते सल्तनत का पान, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। हमारा आज का एक्सपीरियंस इस रेस्टोरेंट को लेकर बहुत अच्छा रहा। और अगर आप ढूंढ रहे हैं कुछ ऐसी जगह जहां आप इंजॉय कर सकें मील के साथ साथ उस एनवायरनमेंट और एम्बियंस को, तो दिस इज़ द राइट प्लेस। और बहुत से लोगों ने इवन विज़िट किया भी होगा, और जिन्होंने नहीं किया तो आई रिकमेंड कि उन्हें मस्ट विज़िट करना चाहिए। तो बस आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।